मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में घर वालों से नाराज होकर एक 15 साल की नाबालिग लड़की अपने भाई के पास जाने के लिए निकली, लेकिन वह रास्ते से गायब हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि बस स्टैंड पर एक बस के अंदर कुछ लोगों के सामने रात के समय लड़की का रेप किया गया था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यह मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का है। राजगढ़ जिले में सूठालिया की रहने वाली एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लड़की के पिता ने सूठालिया थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़की बुधवार को सूठालिया से अपने भाई के यहाँ अकेली इंदौर जा रही थी। सूठालिया से ब्यावरा जाने के दौरान ही बस क्लीनर राजू अहिरवार 22 ने लड़की से मोबाइल छीनकर नंबर ले लिया और उसके नंबर को खुद के मोबाइल में सेव कर लिया। जब लड़की इंदौर से लौटकर ब्यावरा बस स्टैंड पर थी, उसी दौरान आरोपी के एक अन्य साथी ने मोबाइल से फ़ोन लगाकर लड़की को बुलाया और कहा कि तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर आ गए हैं, इनसे मिल लो। उसके बाद लड़की को ब्यावरा बस स्टैंड पर मौजूद महाकाल बस में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बस ड्राइवर ने लड़की के हाथ पैर बांधे और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। क्लीनर ने लड़की के साथ रेप किया। बस ड्राइवर कादर खान और एक अन्य अपने सामने होते रेप का तमाशा देख रहे थे। हालांकि लड़की ने देर रात को स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सूठालिया पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 363, 366, 376 I 3/4 पास को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में लड़की ड्राइवर का नाम भी बता रही है, लेकिन पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम कोटरा पहाड़गढ़ का बाबूलाल हरिजन कन्हैयालाल हरिजन ने आगे रिपोर्ट किया कि मेरी लड़की को मैं सुबह घर पर छोड़कर खेत पर गया था। शाम को लौटकर आया तो लड़की घर पर नहीं मिली। उसने शंका मऊ के सुरेश हरिजन पर जाहिर की थी, जिस पर से उसकी रिपोर्ट पर थाना आया पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जब तुरंत ही सुरेश को उठाकर उससे पूछताछ की गई और उससे लड़की के मोबाइल पर बात करवाई गई तो लड़की ने बताया कि मैं अपने भाई के पास इंदौर जा रही थी, तो मुझे महाकाल बस के क्लीनर राजू अहिरवार ने फोन लगाकर बताया कि तुम्हारे माँ बाप और भाई ब्यावरा में आ गए, तुम भाजा क्या करो। तो बाद में वापस इंदौर से ब्यावरा आ गई। ब्यावरा में उसने महाकाल बस में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। उस बलात्कार के दौरान राजू अहिरवार का एक दोस्त कादर करके भी था बस में, बलात्कार राजू ने किया था ओनली। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। कल आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।